आत्मवंदन। मेरा नाम पूर्णिका शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी ध्यान की जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। मेरे माता पिता ने मुझे ध्यान 7 साल की उम्र में सिखाया था और स्कूल में भी ध्यान होता था, पर आनापानासती ध्यान के बारे में कभी नहीं पता था। अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़, रेखी, प्राणिक, थीटा हीलिंग सब कुछ किया, लेकिन कभी ये क्लैरिटी नहीं मिली थी जो आनापानासती ध्यान से मिली। पहले से ही बचपन से ही विजन्स आते थे, लेकिन मुझे कह दिया जाता था कि वो मेरी सिर्फ एक कल्पना है, और उसके चलते अलग अलग डर मैंने पाल लिए कि अगर कोई अलग बीइंग मुझे दिख रहा है, कोई परग्रही जैसी मुझे कोई छाया दिख रही है, तो मैं ही उस टाइम कुछ गलत हूँ, या मुझे ही कुछ गलत दिख रहा है, या मैं अपने ही ख्वाब वहाँ पर बुन रही हूँ। तो काफ़ी सारी मोडालिटीज़ करने के बाद 2021 में मुझे एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही थी, मैं डिप्रेशन में थी और मेरी पूरी फैमिली तनाव में थी। और उसके बाद ही मेरी मम्मी को पता चला PNC हिंदी के बारे में, पिरामिड मेडिटेशन के बारे में, आनापानासती ध्यान के बारे में, और हम लोगों ने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर विज़िट किया सफदरजंग, और उसी दिन से ही हम लोग गाइडेड मेडिटेशंस करना शुरू कर दिया आनापानासती ध्यान के। तो पूरी फैमिली के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। जो मुझे पहले लगता था कि मेरी लाइफ में जॉय नहीं है, तो डिप्रेशन तो गया, साथ ही साथ जॉय भी आई। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं सिंपली शाम के वक्त मेडिटेट कर रही थी और ग्रुप मेडिटेशन थी, तो आनंदमय माँ खुद मेरे पास चलकर आई और उन्होंने कहा कि कहाँ तुम उस आनंद को ढूँढ रहे हो, तुम कहाँ उस जॉय को ढूँढ रहे हो। तो मैं भी एकदम चुप, एकदम शांत, मैं क्या क्वेश्चन करूं। वो खुद मेरे पास चल कर आई हैं और उन्होंने फिर कहा कि वो मैं उन्हें दीक्षा दूं। तो मुझे समझ नहीं आया मैं उन्हें दीक्षा कैसे दे दूं। तो वो बताती हैं कि उन्होंने मुझे दी है दीक्षा, तो मैं भी उनको दे सकती हूँ। तो उनके अंदर जो जॉय है, वही जॉय, वही आनंद मेरे अंदर भी है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी, और इट वॉज द फेज, वो वही समय था जब एक ब्लिंक में, एक क्षण में डिप्रेशन एकदम छू हो गया मेरी पूरी लाइफ से। और मेरी फैमिली में भी एक तरह से सब लोग बहुत ही खुश रहने लग गए। मैंने अपनी मम्मी को कभी डांस करते हुए नहीं देखा इतने सालों में। और एक दिन मम्मी, पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने हम सबको उठाया और पूरी फैमिली को मम्मी डांस कराने लग गई। तो यस, वो जॉय पूरी फैमिली में आई है। मुझे कभी नहीं पता था कि ध्यान इतना इजी, इतना सरल हो सकता है। मैं सोचती थी जितना लंबा प्रोसेस होगा, जितने अलग अलग पड़ाव होंगे, उतना ही अच्छा ध्यान होगा, पर ये बहुत ही आसान है। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। और आनापानासती ध्यान के साथ मेरा विजुअलाइजेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मैं एक्टिंग करती हूँ, तो पहले मैं अपने आप को विजुअलाइज़ कर लेती हूँ उस कैरेक्टर में, और यदि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, कोई मैं स्क्रीन प्ले लिखना चाहती हूँ, स्क्रिप्ट लिखना चाहती हूँ, तो कई बार मुझे खुद डाउनलोड्स आ जाते हैं और मैं वही स्क्रिप्ट लिख डालती हूँ, पता नहीं कैसे, पर हो जाता है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक मुझे हमेशा एक थॉट खटकता था कि क्यों हम पहले नहीं आ गए आनापानासती ध्यान में, क्यों हमें पहले नहीं मिला। सबको तो पता था, मम्मा की फ्रेंड्स को भी पता था, मम्मा को क्यों नहीं पता था, मेरी फैमिली को क्यों नहीं पता था।
तो इसका मेन रीज़न ये था कि हम पहले नॉन वेजिटेरियन थे और ऐसा होता था कि कभी छोड़ दिया कभी वापस। तो जब पूरी तरह से हम लोग प्योर वेजिटेरियन बन गए तभी वो ऊर्जा क्रिएट हुई, तभी वो वाइब्रेशन बढ़ी और हमें आनापानासति ध्यान के बारे में पता चला। और अब ऐसा होता है कि जानवरों को देख के वो करुणा भाव जग जाता है जो पहले नहीं था। कभी कभी लगता है कि मैं ज़्यादा अपने इमोशनल बॉडी में तो नहीं रह रही हूँ, पर अब रियलाइजेशन है कि मैं उस वननेस में आ चुकी हूँ। जैसे कभी मेट्रो स्टेशन के पास होती हूँ तो गाय खुद मेरे पास चल कर आती है, और कभी मुझे लगता है कि वो कुछ खाने के लिए मांग रही है मुझसे। पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरा ब्लॉक था और वो चाहती थी कि मैं उसे वो लव का टच दूँ जो उसे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही मुझे रोज़ डॉग्स खुद मेरे पास आते हैं एंड दे सिंपली वो मेरे ऊपर कूद जाते हैं प्यार से। तो इतना सारा प्यार मुझे हर जगह से मिल रहा है सब कुछ ध्यान की वजह से, और इतना सारा प्यार मेरे अंदर है सबको बांटने के लिए। ये सारे अनुभव पीएमसी हिंदी और आनापानासति ध्यान की वजह से हुए। पीएमसी हिंदी से मैं कैसे जुड़ी? ऑब्वियसली मेरी मम्मी ही है जिनकी वजह से मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो मम्मी को ही दीप्ति मैम की वीडियोस दिखी थी, तो बहुत ज़्यादा चक्रा हीलिंग के बारे में उस टाइम देख रही थी। तो दीप्ति मैम के चैनल के साथ पीएमसी हिंदी का वीडियो शुरू हो गया और बस वहीं से पीएमसी हिंदी का साथ छोड़ गया। पीएमसी हिंदी मेरे लिए एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मेरी सोल फैमिली, मतलब ऐसे लगता है कि मेरी पूरी सोल फैमिली बस एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई है मेरे साथ, और इतना एक्सेप्टेंस फील होता है, बिल्कुल भी एलियनेटेड फील नहीं होता जो पहले होता था। लगता था कि मैं बहुत लोनली हूँ, तो आई हैव कम अबव दैट। और एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं फंस चुकी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से ऊपर उठने का, कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, प्रोफेशनली भी कोई काम नहीं मिल रहा। तो मुझे एक इंडी वेब सीरीज़ मिली और मैं उस वेब सीरीज़ को करने चली गई कि देखा जाएगा, एक एक्सपीरियंस ही तो है, पता नहीं पे कितना करेंगे, करेंगे भी या नहीं। तो पहले मुझे जो अनुभव हुआ था, मुझे एक स्ट्रीम दिखी, एक नहर दिखी और वहाँ से एक छोटा सा झरना दिखा था और मैं वहाँ पर ध्यान कर रही थी। और वो लोकेशन जो थी वेब सीरीज़ के शूट की वो भी उत्तराखंड में थी, और जब हम उस लोकेशन पर पहुँचे तो सामने वही स्ट्रीम थी, वही झरना था, वही नहर थी और वही पत्थर थे। तो वहाँ की जो ऊर्जा थी वो मुझे वहाँ तक खींच लाई। यस, तो एक्टिंग का भी बेनिफिट हुआ, साथ साथ मेरा आध्यात्मिक बेनिफिट, दोनों बैलेंस आउट हो गए। तो मेरा अब एक ही गोल है, जैसे पितामह ने कहा कि अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत, तो मेरा भी है कि एक्टिंग के थ्रू जो हम इमोशनल ग्रैटिफिकेशन की बात करते हैं और इमोशनल बॉडी से हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को लिंक करते हैं, वैसे मैं एक्टिंग के थ्रू सबको ये ज्ञान और ये ध्यान बांटना चाहती हूँ। मैं पिरामिड सेंटर गई हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सफदरजंग वाले सेंटर में ही गई हूँ, और वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जब भी जाती हूँ ना तो कोई ना कोई मास्टर्स आते हैं और मेरी बॉडी पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। कभी स्पाइन में वर्क हो रहा है, कभी मुझे वो फील करवा रहे हैं कि मेरे इमोशंस में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो मेरे दांतों पर वर्क करना शुरू कर देते हैं कि हमारे दांतों में ही हमारे इमोशन ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो यस, सातों शरीर पे वहाँ पर काम होते हैं जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि पूरी एक एस्ट्रल ट्रेन वहाँ पर कनेक्टेड है कि आज हम आप पर ये काम करने वाले हैं, हम ये रेडी हैं कि आप रेडी हो। तो यस, वो रेडीनेस मेरे अंदर अब आ चुकी है। थैंक यू टू ऑल द पिरामिड्स, मतलब पिरामिड्स की एनर्जी इतनी सुंदर होती है ना, ऐसे लगता है जैसे एक क्यूट सा पपी आपको बुला रहा हो और आपको बस वो इतना सारा प्यार भेज रहा हो। तो पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस फील हुई थी, क्योंकि मुझे वो जो लाइट्स दिख रही थी और वो पूरा कॉस्मोस दिख रहा था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स दिख रहे थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि
वो एग्जिस्ट करते हैं और मैं भी उनका एक पार्ट हूँ। तो पहली बार ही मुझे वो एक्सेप्टेंस फील हुई कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, मेरी फैमिली मेरे इर्द गिर्द है और मेरा यहाँ पर आने का कुछ ना कुछ तो पर्पस है ही। तो वो पर्पस अब जो पिता माँ ने बताया वही है और डेली वही इवॉल्व होता आ रहा है कि मैंने जो सीखा वही आत्मज्ञान में आगे पास करूँ। मैं फिज़िकली पिता माँ से कभी नहीं मिली हूँ। दिल्ली में इवेंट हुआ था तो लास्ट उनसे मिली थी मैं मार्च में। बाकी एस्ट्रली तो वो आते जाते रहते हैं, कभी मुझे बताते हैं कि एक मैसेज मैं शेयर करना चाहूँगी कि देखो ये ज्योमेट्रिकल शेप है, देखो ये साउथ पोल है, यहाँ से मदरशिप्स आते हैं, देखो यहाँ पर वो की है, यहाँ पर टेट्राहेड्रन की है। तो ऐसे ऐसे वो शेयर करते हैं। ठीक है, मैं भी सुन लेती हूँ, वो ग्रहण कर लेती हूँ नॉलेज, फिर पूछने की हिम्मत नहीं होती कि मैं इस नॉलेज का आगे करूँगी क्या। मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और ऑब्वियसली वो इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो सपोर्ट कैसे आया, जब ध्यान के साथ साथ मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, जब मैंने ये माना कि देर इज़ लव आउटसाइड, ऐसा नहीं है कि सब मेरा बुरा ही चाहते हैं, उधर लोग भी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एस्ट्रली भी फिज़िकली भी। तो 15 दिन मैंने अपने ऊपर ये काम किया, इतने महीनों से जो लोअर बैक में पेन था, मेरे बस ये कहने से आई एम लव, ऑल दैट आई रिसीव इज़ लव, ऑल दैट आई गिव इज़ लव, बस इतना कहने से और ध्यान में बैठ जाने से वो पेन पूरी तरह से हील हो गया सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और जैसे कि पिता माँ कहते हैं यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू डू क्रिएट योर ओन रियलिटी, वो मैं अब अपनी वास्तविकता में ला रही हूँ। एक नॉन वेजिटेरियन से एक वेजिटेरियन बनना और फिर आनापानासति ध्यान को ग्रहण करना कुछ साल पहले आसान नहीं लगता मुझे, लेकिन जब मेरी बॉडी ने उसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया, यू आर व्हाट यू ईट, तो मुझे भी वही इमोशंस फील होने लग गए, मैं भी वही महसूस कर रही थी, मैं भी वही एंग्जाइटी, वही फियर्स मैंने अपने बॉडी में ले लिए, वही डर अपने बॉडी में ले लिया, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया और मुझे एक डाइट पे जाना पड़ा और एकदम से मेरी पूरी सात्विक डाइट हो गई। फिर जब कोविड हुआ, कहने को कोविड हुआ, तो अंडा खाना शुरू कर दिया जस्ट क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं तो अंडा खा लेते हैं। और फिर एकदम से लगने लगा कि वो मेरी बॉडी के लिए, मेरे शरीर के लिए बहुत डेंस हो रहा था, और खाने के बाद ही मेरी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ गए, तनाव बढ़ गया शरीर में और डिप्रेशन अलग ही ऊंचाई पर छलांग मार के चला गया। तो उस टाइम रियलाइज़ किया कि नहीं, छोड़ना है तो छोड़ना है। और तभी मुझे वो सारे भाव फील होने लग गए कि अगर वो मुर्गा है तो उसे क्या भाव फील हो रहे होंगे, उस अंडे को क्या भाव फील हो रहे होंगे, वो किसी प्लान के साथ आया था, किसी सोल पर्पस के साथ आया था, तो मैं कोई नहीं होती उसका सोल प्लान ख़राब करने के लिए और मुझे कोई हक नहीं है। मैं PMC हिंदी के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आनापानासति ध्यान सबसे सरल है। PMC हिंदी के मेरे लाइफ में आने से एक अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ, मैं एक वेलनेस कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ। ऐसे लगता है इट इज़ सो नेचुरल फॉर मी टू फील दैट अबंडेंस, टू फील दैट फ्रीडम। ऐसे लगता है कि जो लिमिटेड सोच में मैं रहती थी, अब मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक मिराकुलस सोच में आ गई हूँ। जब मैं पहले सोचती थी यार कहीं तो जॉब मिल जाए, मतलब ठीक है 10,000, 20,000, 30,000, या फिर कोई ऐसा काम मिल जाए, तो अब लगता है इससे ऊपर भी एक सोच है, मिराकुलस सोच, कि मेरे पास इतनी मनी एनर्जी है कि मैं वो पूरा ध्यान प्रचार में लगा रही हूँ, मेरे पास इतना सुंदर काम है कि मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ, कि मैं घर घर जाके ध्यान प्रचार कर रही हूँ। केवल अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए और अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर लाइए।
इट इज़ दैट सिंपल. इट इज़ एज सिंपल एज ईटिंग केक, एज सिंपल एज सिपिंग चाय. आनापानासती ध्यान से मुझे फैमिलियर कराने के लिए मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और शक्ति मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें पहली बार गाइडेड मेडिटेशन करवाया. पीएमसी हिंदी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ. केक के बाद एक वो वीडियोस आती रही और मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, दिलचस्पी बढ़ती गई और मैं आज यहाँ हूँ, ये एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करवा रही हूँ. कृष्णा राव सर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आध्यात्मिक प्रगति में इतनी हेल्प की. दीप्ति मैम को, शंपा मैम को, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी, आपने मुझे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस और लव दिया. थैंक यू सो मच.